clapping. Very good. Yeah. Let's go. Echo. Yeah. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, या जब भी आप व्लॉग देख रहे हो प्रॉबेबली गुड इवनिंग ही हो जाता है. वेलकम टू द न्यू व्लॉग. टुडे इज आल्सो ट्यूसडे. आप सोच रहे होंगे दैट आई ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट माय व्लॉग्स ऑन ट्यूसडे एंड नॉट ऑन मंडे, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि मंडे बहुत ही ज़्यादा बिजी डे होता है. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट बट आई कुड नॉट, एंड द वेदर इज जस्ट नॉट गुड, क्योंकि आई एम शूटिंग ऑन द फोन, तो अगर फैंस ऑन करेंगे तो फिर ऑडियो का वो होता है ना, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, वेन एवर आई एम शूटिंग एनी वीडियो एनी वेयर यू कैन सी हाउ आई एम स्वेटिंग. यू कैन सी माई गॉड, आई हैव जस्ट नॉट अप्लाइड एनीथिंग. आई जस्ट अप्लाइड अ लिप ग्लॉस एंड दैट इज इट. पूरा मेरा फेस इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा यू नो गर्मी है. रियली वेटिंग, बारिश ही ठीक थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है. यू टेल मी आपके एरिया में कैसा मौसम है, बिकॉज यहाँ पे तो वेदर बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है. सो टुडे इज़ ट्यूसडे. अभी ऐसा सच कुछ है नहीं, मैंने एक वीडियो शूट करनी थी मुझे, वो मैं शूट कर रही थी, एंड मेरी मंडे मोटिवेशनल वीडियो सबको बहुत अच्छी लग रही है. थैंक यू सो मच. मैंने नए तरीके से यू नो कॉन्सेप्ट बनाया कि जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें यू नो मैं रिस्पॉन्ड देती हूँ फ्रॉम द वीडियोज़, एंड इट्स जस्ट लाइक अ मोटिवेशन एज वेल. सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट. थैंक यू सो मच. और आज कुछ नहीं है, आज अभी मुझे अब यही वीडियो मैं एडिट करूँगी और अपना वो करूँगी, क्या कहते हैं, अपनी क्लास कंप्लीट करूँगी. आज का मेन टारगेट यही. अब क्या है, वी आर नॉट इवन गोइंग टू प्ले, वी आर नॉट इवन गोइंग, हम नीचे भी नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि यू नो कि गुंताज बीमार हो जाए, बिकॉज गर्मी सर्दी, अंदर अगर AC चल रहा है नीचे गर्मी है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो आप सब भी अपना ध्यान रखो, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा, पीछे भी जब वेदर चेंज हुआ था इट वॉज लाइक जस्ट लाइक आई गॉट यू नो अंडर वेदर. तो वो सारी चीजों का आप ध्यान रखना. बाकी कल इट वुड बी एन एक्साइटिंग डे, जिसके लिए मैंने आप यू नो कैमरा ऑन किया, एंड आई थॉट टू स्टार्ट द व्लॉग. सो कल वेडनेसडे है, तो गुंताज समर कैंप पे गया था, आप सबको पता है. तो समर कैंप जहाज उसने किया था, दे हैव कॉल्ड अस फॉर यू नो एक वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक ग्रुप फोटोग्राफ दे रहे हैं, और एक रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, विच इज सो कूल. राइट, हमारे टाइम पे आई थिंक ऐसा कुछ होता नहीं था, बट नाउ इट इज़ सो गुड कि वो एक यू नो एक रिकग्नाइज एक रिकग्निशन और एक मेमोरी की तरह वो दे रहे हैं. एंड मुझे स्कूल से एक उसकी फाइल भी मिली थी, इन विच उन्होंने ना जो भी एक्टिविटीज़ उस गुंताज ने की थी वो सारी उसमें डाली हुई थी, एंड दे हैव गिवन मी. सो कल व्हेन वी विल गो आई विल शूट, आई विल टेक यू अलॉन्ग, मैं आपको लेके जाऊँगी. और उसके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ छोटी छोटी मेरे को शॉपिंग करनी है, लाइक यू नो स्लिपर्स एंड कुछ ग्रॉसरी, अगर जो भी एक्स्ट्रा सामान कुछ कुछ मुझे चाहिए था, अगर हम गए तो मैं आपको जरूर साथ में लेके जाऊंगी, एंड आई विल व्लॉग अलोंग साइड. और उसी के लिए एक्चुअली मैं अभी लिस्ट बनाने वाली थी, तो अभी हम लिस्ट बनाएंगे उसके लिए. मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मी एंड गुंताज बोथ, हम मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज उसने बनाई थी वहां पे, और क्या कलरिंग, क्या यू नो विद द पोटैटो एंड विद द लेडी फिंगर उसने वहां पे एक्टिविटीज की, एंड आई विल शो यू, एंड आई विल मेक हिम सिट विद मी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली उसके साथ शूट करना ना, बिकॉज उसको साथ में बिठाओ तो व्हाट ही डज, ही इज जस्ट वो कैमरा खींचता रहेगा, ट्राईपॉड खींचता रहेगा, यू नो मोबाइल एज इन, तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या है. सो इट इज दैट, बट आई ट्राई कि वो साथ में बैठे, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसकी सारी एक्टिविटीज, और कल क्या गिफ्ट मिलता है, क्या सर्टिफिकेट एंड द ग्रुप फोटोग्राफ, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, और जो भी हम अगर शॉपिंग करके आए. और इस वीक में मेरा कुछ अमेजोन का ऑर्डर भी आएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या है, बिकॉज आई थिंक छोटी मोटी चीज़ें तो हम सब मंगवाते ही रहते हैं अमेजोन से, मिंत्रा से, राइट. तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में, ताकि थोड़ा सा जो व्लॉग है वो एक्साइटेड रहे. लिस्ट बना लेती हूँ ताकि, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, टेल मी आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, कि घर पे बैठ के अच्छा हमें ये भी लेना है, हमें वो भी लेना है, वहां पे जाके नॉर्मली आई फॉरगेट, और फिर घर वापस आके याद आता है ओ अच्छा ये भी लेना था. बिकॉज कुछ चीजें होती है ना, ऑनलाइन हर चीज प्रॉपर मिलती नहीं है, कुछ चीजें होती है जैसे साइज चेक करना, जैसे चप्पल ही है उसका साइज चेक करना, बहुत सारी चीजें होती है, तो उस हिसाब से. Thank you.
सो दिस इज द बेड, आई हैव मेड द बेड एज यू कैन सी. मैं आपको दिखाना चाहती थी वो स्टार मून एंड क्लाउड वाले जो पिलोज हैं, जस्ट लव देम. लेकिन ये गुंताज के फेवरेट है. आई हैव ऑर्डर्ड देम फ्रॉम यू नो अमेजोन से मैंने मंगवाए थे. ये मैंने पूरे सेट में मंगवाया था, स्टार मून एंड क्लाउड. ये इंडिविजुअली भी मिल जाते हैं, बट इफ यू बाय देम इन अ सेट तो काफी इकोनॉमिकल रहते हैं. आई विल लीव द लिंक टू द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो अगर आप भी इसे लेना चाहते हो. बोलो, लेट्स गो. बोलो एक बार ही, बोल दो प्लीज अच्छी तरह. बोलो लेट्स गो. लेट्स गो. यस, चलो. ये So I'm back from the school, from the market, from the shopping, and first of all I've changed my clothes because bahar aise lag raha tha ki bahut acha mausam hai, lekin actually bahut zyada garmi hai. It's too humid. Jab tak you know properly wo barish nahi ho jati tab tak humidity nahi jati, so it's like sweating all the time. To wo cheez ho rahi hai ki bahut zyada humidity hai. So I wanted to show you, aaj hum we went to Guntad school, so definitely main aapko dikhati hu. Unhone actually summer camp jo karwaya tha, summer camp ke snippets aapne dekhe honge mere Instagram pe bhi. होंगे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, नहीं कर रहे हो तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई लीव द लिंक समवेयर ऑन द स्क्रीन, सो मुझे फॉलो करो. सेम मेरा आईडी है, सी एस जसप्रीत धंजल. मुझे फॉलो करो यू नो इंस्टाग्राम पे. वहां पे काफी सारी यू नो रील्स वगैरह मैं पोस्ट करती हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता रहता है दैट व्हाट एम आई डूइंग इन माय डे. तो वही समर कैंप के चलते उन्होंने हमें यू नो दे कॉल्ड अस फॉर सम गिफ्ट्स. दिस वाज द गिफ्ट दैट द स्कूल गिव गुंताज. तो ऐसा एक पाउच सा बना हुआ है, इसके ऊपर स्कूल बस बनी हुई है, सो प्रिटी. एंड इसके अंदर दे हैड लाइक दिस, एक कलर है, एक पेंसिल है, एंड एक शार्पनर है, एंड एक आई थिंक इरेजर है. या आई हैव गिवन अ समर कैंप सर्टिफिकेट. आई डोंट थिंक हमारे टाइम पर ये सब चीज़ें थी. उन्होंने बड़े अच्छे से पैक करके दिया है. Yeah, so it's a summer camp certificate or group photograph. I believe you can see here is he sitting in the group photograph. Yeah, you can see him. Here is Guntaj sitting on the chair for the group photograph. This is first ever certificate and first ever group photograph for which I'm very 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 happy. Is और तो स्कूल के बाद वी वेंट फॉर सम अदर थिंग्स ऑफ शॉपिंग. तो गुंताज को कुछ ना कुछ स्टेशनरी चाहिए होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट हिम दीज टू यू नो कलर बुक्स. जैसे मैंने आपको बोला ही है कि उसे कलर्स आई हैव टू मेक हिम लर्न द कलर्स. वैसे 1-2 करके कलर बुक्स हैं, एक नंबर्स बुक है, एक फार्म एनिमल्स बुक है, सो दैट ही लर्न द कलर्स. तो ये चीज़ मैंने उसको खरीद के दी है. पेंसिल का बहुत क्रेज़ है, पेंसिल और पेन वॉट एवर वी ऑल आर यूजिंग. जैसे मैं अगर पेन यूज़ करती हूँ तो उसे बहुत क्रेज होता है. इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग सो इमिटेट्स मी, राइट? तो बेसिकली उसको इमिटेट करना होता है. तो मैंने उसको एक अलग से नोटबुक दे रखी है, एक अलग से यू नो पेंसिल देती हूँ. पेन तो मैं नहीं देती हूँ बिकॉज वो पेन भी फिर दीवारों पर लिखता है. सो आई गिव हिम द पेंसिल. सो आई थॉट टू यू नो मेक हिम बाय समथिंग लाइक दिस. हाँ, बट ये सारी चीज़ें जब भी आप बच्चों को देते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपके असिस्टेंस में ही करें जो भी करें, बिकॉज यू नो इनकी निप्स थोड़ी सी डेंजरस टाइप ही होती है. यू नो अपने असिस्टेंस में ही करवाओ जो भी करवाना है. और इसके साथ आई बॉट हिम दिस सेट ऑफ सो क्यूट इरेजर्स, राइट? ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि वाओ, के लिए कितना कुछ अच्छा था. आई थिंक व्हेन वी वर ऑल्सो यंग हम भी ये सारी चीज़ें खरीदते थे. तो ये सारा सेट है ऑफ इरेजर्स. ही हैज़ अ स्लेट, सो ही गॉट चॉक फॉर देम. तो ये सारी चीज़ें हमने जो है स्टेशनरी शॉप से ली थी फॉर स्टेशनरी शॉपिंग, है उसके बाद कुछ यू नो रैंडम ऐसी स्लिपर्स शॉपिंग की. तो अपनी स्लिपर्स वगैरह तो क्या ही दिखाने, आपको पता ही होगा जैसे आपके स्लिपर्स होते हैं वैसे ही हम सबके होते हैं. लेकिन आई वॉन्ट टू शो द मोस्ट क्यूटेस्ट स्लिपर्स आई हैव एवर एवर सीन. तो बताना कि आपने ऐसे स्लिपर्स कभी देखे या नहीं देखे, या सिर्फ मैंने ही नहीं देखे थे ऐसे. लेट मी शो यू.
तो मैं वहाँ शॉप पे गई तो मैं वहाँ शॉप पे गई तो आई टोल्ड हिम कि यू नो गुंताज के लिए भी स्लीपर्स दिखा दो। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चों के पास स्लीपर्स होते हैं, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा होगा तो वो कैसे होते हैं, नॉर्मल से होते हैं और पीछे लेकिन एक इलास्टिक होती है, क्योंकि दे आर नॉट यूज टू पुटिंग देयर फीट विदाउट द इलास्टिक, या फिर अगर वो खेलने जाते हैं तो सैंडल या शूज ही पहनता है। सो वो दूसरी वाले चप्पल और मिलते भी नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। मैंने फर्स्ट क्राइस से काफ़ी ऑर्डर किया है, अमेजोन पे भी देखा है, तो वो इलास्टिक वाली मिलती थी, पर ऑन द शॉप ये जो है, ये बहामास का जो ब्रांड है रिलैक्सो का, जिसकी हमारी भी चप्पल आती है, उन्होंने ये चप्पल निकाली है। ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू रियली शो यू दिस। सी दिस सच अ क्यूट क्यूट यू नो पेयर ऑफ स्लीपर्स फॉर किड्स, एंड आई वॉज लाइक सो सो इम्प्रेस। उसने जैसे ही निकाली आई वॉज लाइक हाँ ये तो मुझे दे ही दो, एंड आई मेड हिम वेयर दिस, मेड हिम वॉक, तो ही वॉज लाइक सो हैप्पी। आई सेड ले लूँ, खरीद लूँ, एंड ही वॉज लाइक हाँ खरीद लो। बहुत ही क्यूट चप्पल है, एज यू कैन सी। आई डोंट नो, इसी स्टेशनरी हॉल के साथ आई विल शो यू अनदर, लाइक लिटर वेरी लिटर, सिर्फ दो ही चीज़ें मैंने मंगवाई हैं अमेजोन से। एक्चुअली मैंने तीन चीज़ें ऑर्डर की थी अमेजोन से, बट डिलीवर दो ही चीज़ें हुई हैं, तो थर्ड चीज़ इज एक्चुअली गुंताज के लिए मैंने वो मंगवाया डॉक्टर सेट, तो वो जब भी आएगा प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। अपने लिए आई हैव ऑर्डर दीज टू थिंग्स फ्रॉम अमेजोन, आपको दिखाती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया है और लेट्स सी राइट। और मुझे बताओ कि आप लोग कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, लाइक आई डू बिकॉज बहुत सारी एक्चुअली ऐसी चीज़ें होती हैं, आई टेल यू व्हाई। उसका एक फर्स्ट रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू नो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, राइट। सो सेकेंडली आप घर पे बैठे हो और आपको मिल रहा है सामान, राइट, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप घर पे बैठे हो और आपको यू नो सामान मिल रहा है, सो इट्स ऑलवेज अ बेनिफिट। मैंने फर्स्ट टाइम ये कुछ मंगवाया है, दीज आर द अर्थ रिदम क्लेंजिंग पैड्स, बेसिकली रीयूजेबल मेकअप रिमूवर्स हैं ये। सो मेकअप रिमूवर एज एन आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी मेकअप करते हो, शुड नेवर एवर स्लीप विद योर मेकअप ऑन, तो इससे मैंने मंगवाया, वाह एवरी वन वॉज रेविंग अबाउट इट, तो मैंने ये मंगवाया। सो दीज आर द टू रीयूजेबल मेकअप रिमूवर्स, नाउ फॉर शूट ऑल्सो यू नो, नाउ फॉर यू नो शूट, या अगर मैं नॉर्मल शूट भी कर रही होती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक अ लिटिल यू नो प्रेजेंटेबल। बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती, बट फिर भी यू नो थोड़ा सा ब्लश लगा दिया, थोड़ा बहुत भी मेकअप करो, लाइक अभी देर इज नो मेकअप, लाइक। सो मैंने क्या ऑर्डर किया है, मैंने ऑर्डर किया था लिनो पेरोस का ये स्लिंग बैग, होता है ना जैसे मैंने आज भी कुर्ता पहना हुआ है, सो मी आई टेक गुंताज डाउन स्टेयर्स, हम पार्क जाते हैं, सो एक नॉर्मल चीज़ होती है हमारा फ़ोन, राइट, फ़ोन को तो ले जाना पड़ता ही है, और कभी कभी उसके साथ हैंकी भी होता है, थोड़े से पैसे भी होते हैं फॉर एग्जांपल, तो इफ़ आई एम वेयरिंग जॉगर्स और इफ़ आई एम वेयरिंग पैंट फिर तो पॉकेट होती है, कई बार प्लाजोज में भी पॉकेट होती है, नो डाउट, लेकिन सारे कुर्तों में पॉकेट नहीं होती, सारे प्लाजोज में पॉकेट नहीं होती। आगे जब सर्दियां आ जाती है ना, तब हम मोस्टली, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चाहती हूँ कि वो कुछ खेले, तो हम नीचे पार्क में जाते हैं, पार्क में मैं उसे खिलाती हूँ, और या वो अपनी साइकिलिंग करता है या और सारी चीज़ें जो होती हैं, उसके लिए टू टेक द फोन अलॉन्ग, एंड ही सो यंग, तो छोटा है, तो कभी उसको स्लाइड पर चढ़ना है, कभी उसे स्विंग लेना है, तो ऑल द टाइम ना हाथ में फ़ोन सेफ नहीं होता, राइट, तो मुझे भी ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, तो इसीलिए ये वाला होता ना, दिस फ्रॉम लिनो पेरोस, इसका ये येलो वर्जन मैंने ऑर्डर किया है, राइट, और बहुत बहुत ही अच्छे रेट में मुझे मिला है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। एज यू कैन सी सो क्यूट, इसको मैं पूरा ना खोल के ऊपर तक कर लूंगी ताकि ऐसे लंबा स्लिंग बन जाए, उसको मैं साइडवेज में डाल लूं। अब जैसे है ना, ये देखो ये स्लिंग खोला, आई थिंक हैविंग दिस थिंग, आप इसमें अपना मोबाइल डाल सकते हो, अपने कार्ड्स डाल सकते हो या कैश डाल सकते हो, क्वाइट स्पेशियस। यहाँ पे भी मतलब दो पॉकेट्स हैं, राइट, मोबाइल डाल लिया, कैश डाल लिया, हैंकी डाल लिया, यू नो ये वाले बैग्स जो हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए या आप लोगों के लिए भी बहुत यू नो यूजफुल है, इसमें जो नेसेसरी की चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी, राइट, और ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी है, बहुत बजट फ्रेंडली, बहुत अच्छे रेट में मुझे मिल गया। आई लीव द लिंक, एक बार आप इसको चेक कर सकते हो। इसमें तीन कलर्स थे, व्हाइट, येलो एंड ब्लू, यस, एंड आई ऑर्डर्ड दिस येलो। सर्कल, यस सर्कल, ट्राइंगल, हाँ, ओह माय गॉड, गुंताज कुछ कुछ हाथ मंगर है, ट्राइंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल, अरे वाह, कुछ कुछ सब कुछ कुछ लग रहा है, एक ही एक ही बन रहा है, एच एक ही बन, आई बी, अच्छा आराम आराम, वन टू बन गया, अच्छा
लो साफ कर दो, लो साफ कर, मैं करती। अच्छा हो गया, कितने लो गोक दे, रुको ना ना रुको, हो गया हो गया। मैं गिल्ले कपड़े ना साफ करा, तो बैठो उसे खेल लो, मैं करती हूँ कपड़ा गिल्ला करके, मैं क्या साफ कर। अच्छी तरह कर लो गिल्ले कपड़े ना। तो ये गुंताज ने जो समर कैंप पे सारी एक्टिविटीज की है वो गुंताज अभी आपको दिखाएगा, राइट गुंताज? हाँ, ये तुसी बनाया, दिखाओ पहले अपनी फाइल, दिखाओ ना, दिखाओ। सर केप्ट एवरीथिंग इन दिस फोल्डर ताकि संभाल के रहा है, लेबल इट, एक सेकेंड ओदे उठ, मम्मा दस रहे है ना, ना लेबल इट गुंताज फर्स्ट समर कैंप, ये एक्टिविटीज है गुंताज की। दिस वॉज द फाइल, स्कूल से ही मुझे मिली है। They have written here Guntaj. ये सब कुछ Guntaj ने बनाया। Now he will show you, right? तुसी बनाया है? हाँ, तुसी बनाया। देखो, दिखाओ सब। एक ही है। एक ही बनाया सी तुसी। उठे उठे दिखाओ इधर लेके। उच्ची सारे बोलो। Fish. Okay. Wow. Oh, my God. डर आ रहे हैं मेरे तुसे। हाँ, एक सेकंड। एक मिनट। एक ही है, इधर दिखा दो सबको। की है एलिफेंट। मैं बात सारे बिच पा दूंगी। हाँ जी, ए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मेलन, वाटरमेलन। की है वाटरमेलन। हाउस ट्री, देखो सामने कैमरा देखो, हाउस ट्री कि बनाया गुंताज, ये वाला जो इदा बनाया ब्लॉक प्रिंटिंग कि बनाई सी, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर इदा पेंट डिप करके फिर इदा इदा किया, मैंगो, मैंगो मैंगो ही तो है, मैंगो हो रे, एप्पल, ए तुसी कलर किता, बहुत सोना कलर किता, हाँ दिखो, हाँ ये भी एप्पल, हाँ उरे भी एप्पल, एप्पल अच्छा लगता है गुप्ता आज ना खाना है ना, हाँ खराब नहीं, खराब नहीं करना। एक किता, ए हो बाबा ने एक किता फ्राइज बनाया है तुसी, कैप्सिकम ना, कैप्सिकम लेके हम इधर इधर डिप करके तो सीधा फ्लावर्स बनाए ऐसा करके। वाह, एक ये बनाना, स्ट्रॉबेरी, एक ये स्क्रिबलिंग, वेरी गुड। और ये ईयरबड ना कितनी सी, ये वाली पेंटिंग वेरी नाइस, और ये वाली पेंटिंग, और ये थंब प्रिंट्स वेरी नाइस सी, गुंताज थंब प्रिंट्स, लिटिल थंब प्रिंट्स, सो प्रिटी। थल्ले कुछ लगा है, ओह लेडी बग विद पोटैटो, ये पोटैटो ना बनाया था ना, पोटैटो दे विच द हो रे कंपटीशन वाले ग्रेप्स, वेरी गुड, बहुत सोना। ले आओ चिप्स लेके आओ, चिप्स लेके आने ले आओ, किला ले आओ, पॉम्पॉम ले आओ, ये पॉम्पॉम फिश तो रुट्टू हो गया था ना, वाला पॉम्पॉम फिश तो, फिश तो ले आओ, बैठो 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 बैठ जाओ बेटा, गिर जाओगे, गिर जाओ, फिश दे रही है, फिश दे रही है, बैठ जाओ, उसे कैमरा में चाह रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग वाली, एल फिश, एल बैठ जाओ, गम लगा के चिपकाना खाना ना बेटा, इधर तो चिपकेगा नहीं, चिपक गया, ए वाह। ओए मैम ने स्केटिंग कितनी सी गुंताज ने, स्केटिंग कितनी सी गुंताज ने,
हाँ मुमताज, मम्मा की पूछ रहे हैं यार, गया। हो गया, ले संभाल के रखती। ये क्लैपिंग, वेरी गुड। ये जब ये फोटो देखी थी कल, तुझे अपनी फोटो देखी थी, तेरी ग्रुप फोटो आई है। हाँ, तू कितने स्मार्ट लग रहे हैं तेरे। हाँ, तेरा ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। सो यार, इट्स अ रैप। सो यार, With this we will end up the vlog. It's late night. अभी हो रहे हैं 11:04. Though I look very very tired because the day was really hectic and long. And now I'm wrapping up the vlog. Thank you so much for watching the vlog. I hope आपको अच्छा लगा हो। इस vlog में काफ़ी सारी ऐसी new and interesting चीज़ें थी, you know, गुंताज की activities थी. So I believe it's gonna be a long long vlog because मैं वही अभी edit कर रही थी, उसको set कर रही थी. And I was just viewing की vlog बाकी के vlog से काफ़ी लंबा है, but I'm sure कि आपको बहुत मज़ा आएगा because it has a lot of things, you know, to do with गुंताज, lot of things about his summer camp. So I hope you will enjoy and you will also, you know, replenish your childhood memories and all. So yes, with this I will end this vlog. बहुत मजा आया vlog shoot करके. In general also I like shooting the vlogs. अच्छा लगता है and the way you respond to them is another thing. जितने भी मुझे comments आते हैं, they are really really close to my heart and I'm very happy to watch all your comments. And this video shout out goes to Nakshatra. Thank you so much Nakshatra for a sweet comment on my vlog. And if you want a shout out from me, it's pretty simple. Leave a comment below, subscribe to my channel and like the video. And do share my videos with your family and friends also who like watching vlogs as like me. I really really love watching vlogs. So make sure that you're sharing my videos as well and subscribing to my channel if you have not done it yet. So I'll see you tomorrow probably. Yes, I'll see you tomorrow with the Monday motivational video. Till then, stay happy, stay blessed and enjoy your weekend. Bye.